Hello students, take out your maths book and come to page number 59. Today we will learn about positions. Okay, some positions are given here: on and under, above and below, before, between and after, and inside and outside. Okay, and on the next page some other positions are also given, like top and bottom, and near and far. Okay, now let's read. See here, we can say that the bag is on the desk. This is the desk and the bag is here, and that's why we will say that the bag is on the desk. Desk par rakhi hui hai, and this bottle is under the desk. Ye desk ke niche rakhi hai, just niche. Theek hai, ab dusra concept dekho. अब अबव और बिलो, एक्चुअली मीनिंग ऑन मीन्स भी ऊपर होता है, अंडर मीन्स नीचे होता है, अबव मीन्स भी ऊपर होता है, बिलो मीन्स भी नीचे होता है. लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, जब डायरेक्टली टच होकर कोई चीज रखी हुई होती है तो हम ऑन कहेंगे, या डायरेक्टली उस चीज के नीचे होती है जस्ट तो हम अंडर कहेंगे. लेकिन जब, अब देखो ये क्लाउड है, इस क्लाउड के ऊपर ये एरोप्लेन है तो इसीलिए इसको अबव कहेंगे, इसने इसे डायरेक्ट टच नहीं किया है. The aeroplane is above the cloud and the bird is below the cloud. ये cloud के नीचे से fly हो रहा है, इसलिए हम इसे below कहेंगे, और ये above है इसलिए इसे above कहेंगे. Okay, now see before and between. Now here are the three animals you can see. This is, what is this? This is an elephant, this is a zebra and this is a giraffe. अब हम कहेंगे कि the elephant is before the zebra. जेब्रा के बिफोर है, ठीक है, एंड दिस जिराफ इज आफ्टर द जेब्रा. ये इसके आफ्टर है, बिफोर आफ्टर, और ये इन दोनों के बीच में है, बिटवीन. ओके, ये आप अच्छे से कर सकते हो, आपको आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, बिटवीन नंबर्स बहुत अच्छे से आते हैं. बस सेम थिंग है, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, और बिटवीन मीन्स बीच में. ठीक, नाउ सी द नेक्स्ट, इनसाइड एंड आउटसाइड. ओके, कैंडीज है इस बॉटल में, क्या रखी है, ढेर सारी कैंडीज, किसके अंदर है, कैंडीज आर इनसाइड द जार. और ये क्या है, बिस्किट्स है, कुकीज है, दीज आर दी बिस्किट्स विच आर आउटसाइड द जार, इस जार के बाहर है. ठीक है, सी अबाउट टॉप एंड बॉटम. अब देखो ये जो बॉय है, दिस बॉय इज ऑन द टॉप लैडर, सबसे ऊपर है सीढ़ी के, एंड द गर्ल इज एट द बॉटम ऑफ द लैडर. ये बॉय टॉप ऑफ द लैडर है और ये बॉटम ऑफ द लैडर है. ठीक है, बॉटम मीन्स सबसे बॉटम वाली चीज पर, बॉटम वाली जगह पर, और टॉप मीन्स एट द टॉप मोस्ट प्लेस पे. ठीक है, नाउ देखो फार एंड नियर, विच आर दीज एनिमल्स, दिस इज एन एलिफेंट, ओके, देन दिस इज अ रैबिट, ओके, एंड वॉट इज दिस, दिस इज अ डियर. ओके, सी This rabbit is near the deer. ये near है deer के, ठीक है, and this elephant is far from deer. ये इस deer से बहुत दूर है. जब दूर होते हैं, जब far use करेंगे हम, जब pass होते हैं, जब near use करेंगे. Okay, now let's see the exercise. Okay, write the position of the given animals. अब मुझे बताओ, the rat is, हम क्या कहेंगे, ये इस table पर है, क्या लिखेंगे हम यहाँ, good. On, and the cat is under, नीचे है. ठीक है, अब यहाँ हम above और below नहीं लिखेंगे, जब height होती है, बहुत ज्यादा difference होता है उनमें, तब हम above और below use करते हैं. The fish is, अब ये fish कहाँ है, bowl के अंदर है, हम क्या लिखेंगे, inside the bowl, and the cat is outside, okay. The book is, अब ये बुक कहाँ है, पेन के ऊपर है, हम क्या कहेंगे, अबाउ. द पेंसिल बॉक्स इज, अब ये पेंसिल बॉक्स कहाँ है, नीचे है, बिलो द पेन. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, द मंकी इज ऑन, कहाँ पर है मंकी, देखो टॉप पर है ना, टॉप ऑफ द पोल,
The cat is at the bottom. Okay. Now see here, numbers are given 1, 2, 3. One is blank the two. One कहाँ है? Two के before है. So right here before. Then 3 is after the 2. 2 के बाद में है. And 2 कहाँ है? 1 और 3 के बीच में है. तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? Between. Okay students, I think this is all clear to you now.